समाजवादी पार्टी के गुंडे जिस तरह का नरगल बयानबाजी कर रहे हैं और खुद अखिलेश शिवपाल बोल रहे हैं कि दल बदलू हैं, दो दल हम बदले तो दल बदलू, आठ दल वो बदले, वो दल बदलू अपने को नहीं कह रहे हैं। घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को जीत मिली और ओम प्रकाश राजभर के दावे फेल हुए, उसको लेकर चुनाव के बाद भी बयानबाजी जारी है। एक ओर समाजवादी पार्टी अब ओम प्रकाश राजभर पर तंज कस रही है तो दूसरी ओर राजभर भी सीधे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को लपेट रहे हैं। घोसी में पराजय के बाद ओम प्रकाश राजभर वापस मऊ पहुंचे और सीधे तौर पर अखिलेश और शिवपाल को चुनौती दे डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय ओम प्रकाश राजभर मऊ में आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या आज का क्या था आज का? देखिए, ये पूर्वांचल की बैठक आज थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है और अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह की बैठक चार जगह हो रही है। संगठन पार्टी को 2024 में बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सके हम, उसके लिए तैयारी हो रही है। क्या वजह रहा कि जो समीकरण था फेल हो गया, राजभर निशा चौहान? देखिए, हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी। जनता का जो जनादेश है उसका हम लोग पालन करते हैं। जो कमियां रह गई हैं उसको अध्ययन करके, उस कमी को दूर करके 2024 में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। किससे खतरा है आपको? समाजवादी पार्टी के गुंडे जिस तरह का नरगल बयानबाजी कर रहे हैं और खुद अखिलेश शिवपाल बोल रहे हैं कि दल बदलू हैं, दो दल हम बदले तो दल बदलू, आठ दल वो बदले, वो दल बदलू अपने को नहीं कह रहे हैं। कमजोर के ऊपर उंगली सब लोग उठाते हैं। आठ आठ दल बदलने वाले, दो दो बार सपा से, दो दो बार, तीन तीन बार कांग्रेस से, आरएलडी से, निषाद पार्टी से, भारतीय समाज पार्टी से दल बदले न, और दो ही बार करने पर उनको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। आप बता रहे हैं कि 2024 में अब हो जाए खतरा, जबकि आप कह रहे थे कि मतगणना के दिन 11 बजे सफाई नहीं दिखेंगे। बिल्कुल कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आने दीजिए टाइम, हम लोग जो कमी रह गई उसको दूर करके और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री मोदी को जिताएंगे। हालांकि शिवपाल यादव भी राजभर पर तंस कसते नजर आए हैं। शिवपाल ने ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनाए जाने को लेकर मजे लिए। देखिए, वैसे तो मैंने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से उनके लिए मांगी करी थी। मैंने कहा था कि भाई इन्हें जल्दी बनाओ, नहीं तो मेरे साथ आ जाएंगे। तो देखिए, वो तो इस तरीके की बातें तो बहुत करी हैं उन्होंने, हैं डेटा वगैरह भी दिखा रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को वोट मिला है। और देखिए, वो तो इस तरह की जाने मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए जाने कितनी बातें करी हैं उन्होंने। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि वो ओम प्रकाश राजभर जी और जो मंत्री हैं संजय निषाद, जे हमारी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक थे एक तरह से। फिलहाल जो माहौल है उसके हिसाब से देखा जाए 2024 से पहले ओम प्रकाश राजभर और सपा के बीच लड़ाई काफी तल्ख होने वाली है। मऊ से दुर्गा किंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।